हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत होम नर्स, कुवैत होम केयर या कह लीजिए कुवैत पेशेंट केयर जॉब में क्या क्या काम आप लोगों को करना पड़ेगा। दरअसल ये कमेंट किया था एक शख्स ने कि पेशेंट केयर की एक जॉब के हिसाब से एक वीडियोस बनाइए, तो एक कमेंट था तो उसके आधार पर मैं ये वीडियो तो बना दे रहा हूँ क्योंकि न्यू टॉपिक था। लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे एक कमेंट करना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कुवैत पेशेंट केयर जॉब को लेकर के, या कुवैत होम नर्स जो होती है लेडीज़ होती है उस जॉब के पर्पज़ से क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप आओगे, कैसे आप जॉब करोगे, कैसे आपकी जॉब लगेगी, कैसे आपका इंटरव्यू होगा और रिक्वायरमेंट जो एजेंसी होती है वो इंडिया में कहां पर है। तो ये सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दूंगा, लेकिन मुझे जरूरत है आपके कमेंट की कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक पर, यानी कि कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस को बनाऊंगा, जरूर श्योर बनाऊंगा। आज हम जानेंगे कि अगर आप लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर कुवैत में हाउस में घर के अंदर अगर होम केयर के अंदर आप आ रहे हो किसी पेशेंट की देखभाल करने की जॉब के पर्पस से, या आप नर्स की कैटेगरी में आप आ रही हैं किसी होम केयर में यानी कि घर में कोयती के केयर करने के लिए, तो आप लेडीज़ हो जेंट्स हो दोनों को सेम काम इस जॉब के पर्पस से आप लोगों को करना पड़ेगा। अब चलिए आप लोग जान लीजिए कि इस जॉब के पर्पस से अब आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुवैत में आ गए जिस घर में पेशेंट होते हैं। दरअसल आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कुवैत में बहुत सारे क्या हर एक घर में कोई ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है जिनको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुवैत में ऐसा हिसाब किताब है, यहाँ पर भाई पैसे की तो कमी नहीं ना, और यहाँ पर लगभग सभी लोग चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो लगभग पैसा कमाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब में लगे होते हैं, इसलिए उनको केयर करने के लिए पेरेंट्स को केयर करने के लिए टाइम नहीं होता, तो इसलिए दवा खिलाना होता है, जो भी चेक वगैरह करना होता है, तो उसको मैं डिटेल में आगे बताऊँगा, उसकी देखभाल के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोयती का फादर है, पिता है, बूढ़ा बुजुर्ग है, तो उसके लिए जेंट्स अपॉइंट किया जाएगा। अगर कोई घर में लेडीज़ है, बूढ़ी हो चुकी है, उसको दवाओं की और चीज़ों की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत हो, उसके लिए एक नर्स अपॉइंट की जाएगी। तो ये दो कैटेगरी होती है लेडीज़ और जेंट्स दोनों की, तो दोनों का सेम टू सेम काम करना पड़ता है। अब चलिए हम काम पर नज़र डालते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ों की परेशानी आएगी। सबसे पहले हम बात करें कुवैत में अगर आप होम नर्स का काम कर रही हैं या आप कुवैत में बॉयज़ हैं आप और होम केयर पेशेंट केयर जॉब में आप आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो आपका पेशेंट होगा, अब आपका लेडीज़ पेशेंट हो चाहे जेंट्स पेशेंट हो, अब उस पेशेंट को अगर मान लीजिए वो चल फिर रहा है तो चलिए ठीक है, नहीं चल फिर रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उनको टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन देना है, उनके लिए नाश्ता आपको देना है, जो भी वो नाश्ता करते हैं उनको नाश्ता कराना है। अगर वो नाश्ता अपने हाथ से नहीं खा पाते, खाना नहीं खा पाते, तो आपको अपने हाथ से उनको खाना खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुगर भी चेक करना पड़ेगा, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, यानी कि पेशेंट की केयर आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका ऊपरी हिस्सा, यानी कि फिजिकल सिस्टम देखा जाए तो यही हो गया कि आपको देखभाल करनी है दवाओं से लेकर के, जांच से लेकर के, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है, तबीयत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, शुगर हाई या लो हो गई, या पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपने जिस कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं जो आपका कफील है उसको इन्फॉर्म करिए, फिर हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करिए, फिर उस तरीके से देखा जाए तो आपको बारीकियाँ बरतना पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना और समझना पड़ेगी, और अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं चेक किया। इसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट्स है उस पेशेंट की देखभाल करने के साथ उसके कपड़े चेंज कराना, अगर वो नहाना चाहता है तो नहलाना उसको, उसके बाद अगर नहीं नहाता तो उसके कपड़े किसे गीला कपड़ा करके इसकी साफ सफाई करना। इसके अलावा अगर वो टॉयलेट खुद जाता है तो अच्छी बात है, अगर टॉयलेट नहीं जाता है, बेड पे करता है, तो उसके लिए सब मशीनें
आती हैं, उसको टॉयलेट कराना, टॉयलेट की साफ़ सफाई, उसके कपड़े की साफ़ सफाई, उसके बिस्तर की साफ़ सफाई, यानी कि उस पेशेंट से रिलेटेड जितने भी काम आएंगे, उस पेशेंट को जितनी भी ज़रूरत होगी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर आप लेडीज़ का केयर कर रहे तो लेडीज़ ही अपॉइंट होगी और जेंट्स का केयर कर रहे तो जेंट्स अपॉइंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को आपको केयर करना पड़ेगा, छोटी छोटी हर एक चीज़ को लेकर के आपको केयर करना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए बाई चांस बहुत से पेशेंट्स होते हैं नींद नहीं आती, कोई भी पेशेंट हो, तो अगर इस कैटेगरी में आप आ गए कि आप पेशेंट के नींद ही नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट आपको सोने नहीं देगा, फिर पेशेंट चाहेगा मेरे कंपनी के लिए कोई होना चाहिए। अब पेशेंट को पानी की ज़रूरत हुई तो पानी मांगेगा आपसे, पेशेंट को ज़रूरत हुई बाथरूम में जाना है, क्योंकि जब इंसान जगेगा तो उसको बार बार पेशाब आएगा। अगर वो शुगर का पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसको बार बार पेशाब आएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको बार बार उठना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि अगर रात में उसको नींद नहीं आती तो आपको भी जागना पड़ेगा, भले आपके नींद आती हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपसे रिक्वायर करेगा और आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को रात में नींद नहीं आती है तो आप इसको डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। कभी कभी कोई कोई पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स खुद नहीं बता सकता, इसलिए आपको अपॉइंट किया जाता है कि आप इनकी बारीकियों को देखें और समझें, उसी हिसाब से डॉक्टर्स से और घर वालों से कंसल्ट करें कि हाँ ये चीज़ की प्रॉब्लम्स के तहत इनको ये रात में ये परेशानी रही, रोज़ के रोज़ आपको अपडेट देना पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका पेशेंट्स है, पेशेंट्स की आप देखभाल करने के अलावा भी उसके अगर मान लीजिए सपोज़ करिए लैट्रिन धुलने में उसको दिक्कत होती तो आपको वो भी काम करना पड़ सकता है, इतना आप सोच लीजिए, क्योंकि इस जॉब में आपको पेशेंट की मतलब एक तरीके से पूरी केयर करना पड़ती है, उसमें थोड़ा बहुत गंदगी का भी काम करना पड़ जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा भला काम करना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स आपका सोता है तो आप सोइए, अगर पेशेंट्स आपका जागता है तो आप जागिए, अगर मान लीजिए पेशेंट अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है और आप दो दिन से सोए नहीं ना और बेतहाशा सो गए और रात में इत्तेफाक से कुछ हादसा हो गया, कोई दिक्कत हो गई या गिर गया या हाथ पैर टूट गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ जो है अपने जॉब के हिसाब से इस कैटेगरी में अगर आ रहे हो तो बहुत ही अलर्ट रहो, सुबह दोपहर शाम किसी भी एनी टाइम 24 आवर आपकी इसमें ड्यूटी रहेगी, 24 आवर। बस पेशेंट अगर सो गया तो आप सो जाइए, पेशेंट अगर जाग रहा तो आप जो है, यानी कि ये जॉब में आपको पैसा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम भी है। आपको तो वैसे फिलहाल कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ना बाहर जाना ना इधर जाना, जब पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाएगा तो आप पेशेंट्स के साथ साथ ही जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर्स के पास जाए और चाहे वो कहीं भी जाए। तो पेशेंट से रिलेटेड ये मैंने छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दी आपको, अगर आपको डिटेल में चाहिए कि पेशेंट केयर जॉब में आप कैसे जाएंगे, रिक्वायरमेंट एजेंसीज कहाँ हैं, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा और रिक्वायरमेंट एजेंसी इंडिया में कहाँ पे है और क्या डिप्लोमा होना चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत सारे तरीके से दिमाग में क्वेश्चंस उभर रहे होंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे एक कमेंट करिए। मुझे महसूस होगा इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम टू सेम है, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना करके आपके पास ज़रूर पेश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं।